नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तो रामायण ग्रंथ के अनुसार श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए, तो इन 14 वर्षों में अनेकों जगहों पर इनके चरण पड़े। इस कड़ी में आगे भी हम आपको पहले अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं ऐसे कुछ स्थानों के बारे में, और आज भी मैं आपको कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में बताऊँगा जिनका जुड़ाव राम भगवान और राम के 14 साल के वनवास से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं ये कौन से हैं धार्मिक स्थल। सबसे पहले बात करते हैं अश्व मुनि आश्रम की। तो वाल्मीकि रामायण में अश्व मुनि के आश्रम का वर्णन ऋषियों के लिए सुरक्षित स्थल के रूप में बताया गया है। शरभंग आश्रम के पास अश्व मुनि देवी का मंदिर है। ये भी मान्यता है कि ये देवी बहुत वीरांगना थी तथा उन्होंने रक्षों का संहार किया था। शोध तथा स्थल के क्रम के अनुसार अश्व मुनि का आश्रम यहीं पर पड़ता है। अगली बात करते हैं सिद्धा पहाड़ की। सिद्धा पहाड़ ऋषियों की अस्थियों के ढेर से बना है। इसमें रंग बिरंगी बजरी निकलती है। यहीं श्री राम ने भूमि को राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी। और अब आती है बृहस्पति कुंड पहाड़ी खेड़ा। तो देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ यज्ञ किया तथा आश्रम की स्थापना की थी। बाद में आश्रम में ऋषियों से मिलने श्री राम भी वनवास काल में आए थे। पहाड़ी खेड़ा से दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर दूर बृहस्पति कुंड है। यहाँ बागी नदी की घाटी की प्राकृतिक छटा मन मोह लेती है और ये भी बहुत पवित्र और धार्मिक बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास जानकारी, जहाँ पे हमने श्री राम जी से जुड़ी 3 जगहों के बारे में बताया जो काफ़ी पवित्र मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।